राम मंदिर का निर्माण हमारी वचनबद्धता है और प्रतिबद्धता है। छः दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो अप्रत्याशित था, अनियोजित था, परंतु सैकड़ों वर्षों से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं और तोड़े गए स्वाभिमान का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। गोली नहीं चलाई गई, उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ओढ़ ली है। उसके लिए कोई हमारा अधिकारी और कोई हमारा कर्मचारी दोषी नहीं। धरती पर कोई शक्ति राम को उस अधूरे मंदिर को पूरा होने से, दिव्य बनने से, भव्य बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो राष्ट्र का संकल्प बन चुका है। गांव का प्रधान प्रधानी नहीं छोड़ना चाहता, हमने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी छोड़ दी और आपका कोई हमारे प्राण लेगा। मैं प्रखर हिंदुत्ववादी हूं, मैं प्रखर राष्ट्रवादी हूं, मैं प्रखर राम मंदिरवादी हूं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कल्याण सिंह, जो कि राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं अगर आज राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कल्याण सिंह की भी रही है। कल्याण सिंह जी, आप लोग का जो संघर्ष था, जो सपना था, वो अब साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। देखिए, ये संघर्ष 500 साल पुराना है। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपहसालार वीर बागी ने अयोध्या के मंदिर को तोड़ करके वहाँ से मस्जिद बनाई थी, और मस्जिद खुदा की इबादत की गर्व से नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए, अपमानित करने के लिए, वहाँ तो गलाने की आग में जलने के लिए उन्होंने एक चिन्ह बना दिया था। वो गुलामी का प्रतीक था। 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ, अब आकर के सफलता मिली है। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हो जाएगा और राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा। मेरे भी मन की आकांक्षा थी, जीवन और की आकांक्षा थी कि मैं राम मंदिर को अपने जीवन काल में ही देखना चाहता हूँ, और अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि अपने जीवन काल में मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूँगा और फिर बड़े आराम से, चैन से, शांति के साथ दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा। कल्याण सिंह जी, हम तो ये चाहेंगे कि जब राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाए बनकर, आप उस वक्त भी मौजूद रहें, लेकिन आपने जो पूरा संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, आप लगातार राम मंदिर पर मुखर रहे, आप अपनी भूमिका अब किस तरह से देखते हैं? जो पुरानी यादें हैं उनको कैसे याद करते हैं? कितना लंबा ये संघर्ष रहा? आंदोलन कैसे आप लोगों ने खड़ा किया? कैसे कार सेवकों को? राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चला वो जन आंदोलन बन गया था। देश और विदेश में जो हिंदू रहते हैं, ये सबकी आस्था का केंद्र बन गया था ये आंदोलन। और शायद आज़ादी की लड़ाई के बाद इतना बड़ा आंदोलन दूसरा कोई हुआ नहीं है। और उस आंदोलन, उसी जन जागृति का प्रारंभ था कि आज राम का मंदिर बनने की स्थिति में पैदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। आप अपनी भूमिका के बारे में कुछ बताएं कल्याण सिंह जी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आप उन बड़े चेहरों में से एक हैं जिन्होंने इसकी पूरी लड़ाई लड़ी। एक कार्यकर्ता के नाते से मेरी जो भूमिका थी वही एक कार्यकर्ता के नाते से आज भी है। मुझे जो काम सौंपा जाएगा उसे स्वीकार करूंगा। 6 दिसंबर 1992 की भी घटना लोग याद करते हैं, आप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस दिन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 6 दिसंबर 1992 को वहाँ के जिला प्रशासन की ओर से एक नोट आया लेकर के यहाँ। वो नोट मुझे यहाँ के सचिवालय द्वारा पेश किया गया था। उस नोट में लिखा था कि ढांचे की सुरक्षा के लिए हमने केंद्रीय रक्षा बल के 4 बटालियन मांगी थी, वो हमको मिल गई है, और उन्होंने मजिस्ट्रेट की मांग की थी, हमने मजिस्ट्रेट भी दे दिया है। ये DM का बयान था।
लेकिन अयोध्या में ढांचे तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बीच में साकेत महाविद्यालय में रोक दिया गया है। 3 लाख की भीड़ है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या नहीं चलाई जाए। तो मैंने उन्होंने ये भी लिख दिया था कि गोली चलाने से बड़ा भारी खून खराबा होगा, बड़ी हिंसा हो जाएगी, दर्शकगर हो जाएगा। मैंने उसी पत्रावली पर जो आज भी मौजूद है लिखित में आदेश किया था कि अयोध्या में जिस बिंदु तक स्थिति पहुंच गई है, गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है, गोली न चलाई जाए। गोली चलाने के अलावा अगर कोई उपाय हो सकती हो इस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सब कर सकती हो, लेकिन गोली नहीं चलेगी, एक भी गोली नहीं चलेगी। क्योंकि मैं जानता था कि पूरे देश भर से कार सेवक आए थे, 3 लाख की संख्या से ज़्यादा ही नहीं होगी। गोली चलती तो हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग फिर स्टैम्पीड में भगदड़ में मारे जाते। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश में और देश में हिंसा की जो लपटें उठती, आग की लपटें उठती, उसमें पूरा प्रदेश धू धू करके जल उठता, देश में धू धू करके जल उठता। तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में एक भी गोली नहीं चलेगी। और मैं आज कह सकता हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने एक भी कार सेवक के प्राण नहीं दिए, मेरे माथे पर कार सेवक के प्राण लेने का कोई कलंक नहीं है। सरकार जानी थी, ढांचा गया, सरकार चली गई, सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। देखिए, जिसकी श्रद्धा जिसके प्रति हो जाए, उसके लिए कोई बड़े से बड़ा त्याग भी छोटा होता है। राम के प्रति या राम मंदिर के प्रति मेरी प्रतिबद्धता रही है, इसलिए इस बड़े काम के लिए सरकार छोटी चीज़ मानता हो, सरकार चली गई, न तब दुख था उस सरकार जाने का, न मुझे कोई आज अफसोस है। मेरे ऊपर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही जाते जाते वहाँ के चीफ जस्टिस थे वेंकट चलैया जी, उन्होंने 24 घंटे की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में हम 24 घंटे की जेल में भी रह लिए, 2000 रुपये जमा कर दिए। और इस बात का न मुझे तब दुख था, न आज कोई दुख है, न तब कोई बनाल था, न कोई आज कोई बनाल है। चूँकि ज़िंदगी की जो आकांक्षा थी राम मंदिर की, वो पूरा होने जा रहा है, उससे सारा बाकी सब चीज़ें छोटी है। और अब मैं बड़ी शांति के साथ, चैन के साथ दुनिया छोड़ चला जाऊँगा राम मंदिर को देख करके। राम मंदिर मेरी जीवन की आकांक्षा थी कि अपने जीवन काल में मैं भव्य और दिव्य राम मंदिर देखना चाहता हूँ। और ऐसा दिव्य और भव्य राम मंदिर बनेगा कि दुनिया में शायद उसके तुलना में कोई दूसरा मंदिर न हो। राम मंदिर के बनने से देश का सम्मान बढ़ेगा, देश का सम्मान बढ़ेगा, और राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा। राष्ट्र आत्मनिर्भरता जो प्रधानमंत्री का नारा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, शक्तिशाली होगा और बड़ा संपन्न राष्ट्र बन जाएगा। राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर दोनों एक दूसरे के पूरे और पोषक बन जाएंगे। बिल्कुल कल्याण सिंह जी, आपने तिहाड़ 24 घंटे जेल की बात कही, उस 24 घंटे की जेल आपकी सरकार गिनना और कार सेवकों पर गोली न चलाने का आपका जो फैसला था, कहा जा सकता है कि आज वही सबसे बड़ा आधार बना कि राम मंदिर बनने जा रहा है। उसके बाद से एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत हो गई, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि राम मंदिर के पीछे वो प्रमुख लोग और कौन रहे, किन लोगों की कुर्बानी रही जिनका संघर्ष आज साकार होने जा रहा है? वो तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, किस किस का नाम लिया जाए। महेंद्र रावचंद्र दास जी महाराज थे, अशोक सिंगल जी थे, विक्टोरी डाल मियाँ थे, वगैरह वगैरह, ऐसे हजारों लोग थे। और पूरे देश की जनता, और देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के हिंदू समाज के लोग राम मंदिर के प्रति प्रतिबद्ध थे, और सब में एक राम मंदिर के लिए आग थी, उसी का परिणाम आ रहा है। और मैं फिर कह दूँ कि 6 दिसंबर 1992 को ढांचे के जाने के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की भूमिका तैयार हो गई। ढांचा अगर बना रहता तो न्यायपालिका शायद ये जजमेंट दे देती कि अब दिया कर राम का मंदिर फिर बना जाए।
ज़्यादा ज़्यादा जजमेंट क्या था कि यथास्थिति बना के रखा जाए। हो गया जो हो गया, और जो कुछ हुआ वो तो अच्छा हुआ है। कल्याण सिंह जी, आपको क्या लगता है अब राम मंदिर कैसा बनना चाहिए, क्योंकि जो राम भक्त हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे भव्यतम सबसे दिव्यतम मंदिर होना चाहिए, आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो कई बार उस जगह पर जा चुके हैं, हमने आपकी पुरानी तस्वीरें देखी। मैंने पहले कह दिया कि राम का मंदिर बहुत दिव्य बनेगा, बड़ा भव्य बनेगा, दुनिया में शायद उसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। राम मंदिर से ऐसा मंदिर बनेगा, चूँकि वो करोड़ों लोगों की भावनाओं के, करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का विषय है। बड़ी भारी बड़ी भीड़ आएगी जिस राम मंदिर बन के तैयार होने के बाद जो दर्शनार्थी की। अब तो चूँकि कोरोना की लड़ाई चल रही है तो कुछ सीमित लोगों को बुलाया है कार दे करके, मुझे भी कार मिला है तो मैं जाऊँगा वहाँ। आप जाएंगे, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, चार तारीख को पहुँचेंगे, आपके लिए कितनी सुखद अनुभूति होगी राम जन्मभूमि परिसर में जाना, गर्भगृह पर जाना जहाँ भूमि पूजन होगा? जो मुझे सुखद अनुभूति होगी उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, बहुत सुखद होगी, बहुत ही सुखद होगी, आंखें भरे आएगी मेरी, भावुक आदमी। मोदी जी जा रहे हैं, आपको इस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया भूमि पूजन के लिए? नहीं, मोदी जी जा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है और उन्होंने स्वीकार किया जाना। और कुछ लोग मोदी जी का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम और उसे उनके जाने की आलोचना कर रहे हैं, पर वो राम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि सही सोचे, सही विचार करें कि राम किसी एक कौम के नहीं है, राम देश के। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण सिंह जी। देखिए, कल्याण सिंह के यही विचार हैं कि राम किसी एक कौम के नहीं हैं, राम देश के हैं, और कल्याण सिंह ने साफ तौर से कहा कि राम मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण होगा। और राम मंदिर पर हमारी विशेष कवरेज 22 नवंबर से लगातार जारी है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 17 दिन बचे हैं, और आज जी न्यूज आपके लिए श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा है। इस गीत को मैंने यानी आपके राम मोहन शर्मा ने लिखा है, वहीं संगीत और आवाज दी है मेरे मित्र अगम अग्रवाल ने। गीत के बोल हैं, मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे लिए ये सिर्फ गीत नहीं है, मेरे आराध्य का गान है, राम गान है, ये प्राण प्रतिष्ठा गान है। तो आप भी इस राम गान को सुनिए और इन्हीं हैशटैग के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिए। सनातनी के प्राण है जो, हर सनातनी के प्राण है जो, प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा है, जन जन की, जन जन की, जन जन की जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। कई सदियों के संघर्षों की, अठ योगों के उत्कर्षों की, न्यायालय के निष्कर्षों की, घर घर में उठे विमर्शों की, कई सदियों के संघर्षों की, अठ योगों के उत्कर्षों की, न्यायालय के निष्कर्षों की, घर घर में उठे विमर्शों की, अंतर मन के हर्षों की, इंतजार के वर्षों की, हर शाम हर सहर हर घड़े हर पहर, पल पल की प्राण प्रतिष्ठा है, जिनका सेवक महाबली जो बुद्धिमतां वरिष्ठा है, जन जन की जिनमें निष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा।
गुरु के स्वामी है, जो सतपथ के अनुगामी है, जो सतपथ के अनुगामी है। मैया सीता के माथे पर सिंदूर के झूला लामी है, सिंदूर के झूला लामी है। जो कौशलपुर के स्वामी है, जो सतपथ के अनुगामी है, मैया सीता के माथे पर सिंदूर के झूला लामी है। जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। जन जन के जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। Z News.